Welcome to in this lecture we will cover delete functionality. इस लेक्चर में हम डिलीट फंक्शनैलिटी कवर करने जा रहे हैं. अगर हम इस डिलीट के बटन पर क्लिक करें तो हमें एक मैसेज शो होना चाहिए अलर्ट में कि आप क्या इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं. अगर हम ओके पर क्लिक करें तो हमारा ये रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए. अगर हम कैंसिल पर क्लिक करते हैं तो वो हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट नहीं होना चाहिए. तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम इस बटन पर क्लिक करें तो इसका ये मतलब है, पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या इस बटन पर क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ. और दूसरा, इसके लिए हमें आईडी भी चाहिए होगी. हम तब ही किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं जब हमारे पास उसकी आईडी होगी, क्योंकि आईडी जो है वो किसी भी रिकॉर्ड को क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है. हम आईडी को यूज करते हुए किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं आसानी के साथ. ठीक है, तो एक हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि डिलीट के बटन पर यूजर ने क्लिक किया है या नहीं किया, और किस बटन पर क्लिक किया है, एडिट पे किया है या डिलीट पे किया है, और अगर डिलीट पे किया है तो उस रिकॉर्ड की आईडी क्या है. कोड में चलते हैं और यहां आकर हम एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, rel रिलेशनशिप एट्रीब्यूट. तो इसमें हम क्या स्टोर करवा देते हैं, आईडी स्टोर करवा देते हैं. ओके, अब इसमें हम आईडी स्टोर करवा देते हैं. और एक और चीज जो हम ऐड करते हैं वो यहां पर ऐड कर देते हैं हम, क्योंकि ये एडिट वाला बटन है, यहां पर हम कर देते हैं एडिट स्टूडेंट. या हम इसको अपडेट भी कह सकते हैं, अपडेट स्टूडेंट. और इसी तरह यही फंक्शनैलिटी जो है वो हमने डिलीट में भी परफॉर्म करनी है. तो इस डिलीट वाले बटन में भी यही फंक्शनैलिटी हम डाल देंगे और इसमें एक क्लास भी हम ऐड कर देंगे, डिलीट स्टूडेंट. ओके, इसको हम कॉपी कर लेते हैं. अब हमें जेक्यूरी का कोड लिखना है. एक तो ये आईडी हमने एक्सेस करनी है, लेनी है, और दूसरा क्लास के थ्रू हमने क्या करना है, इस बटन को ये चेक करना है कि क्या ये बटन इस क्लिक हुआ है या नहीं हुआ. ओके, सो सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट हम लिखेंगे. और स्क्रिप्ट के अंदर जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का एक फंक्शन बनाया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्या होता है. उम्मीद है आप लोगों को याद होगा. जब हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो फुली लोड हो जाता है तब ही हम क्या उस पर कोई कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि अगर ये बटन लोड होगा तो हम ये आईडी ले सकेंगे और इसकी जो क्लास है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे. सो जब तक ये रेडी नहीं होता डॉक्यूमेंट, उस वक्त तक हम क्या नीचे वाला कोड जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते या नहीं कर सकते. ओके, सो जब ये रेडी होगा तो उसके बाद क्या करना है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या यूजर ने कोई बटन तो प्रेस नहीं किया. एक तो यूजर यहां पर जो अक्सर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो हैशटैग दे देते हैं, हालांकि वो क्लास को एक्सेस कर रहे होते हैं लेकिन वो आईडी की तरह यहां पर हैशटैग दे देते हैं, और बाद में उनको गलती का पता भी नहीं चलता और बार बार देखते रहते हैं कि कहां पर मिस्टेक है. तो यहां पर हम क्योंकि क्लास को एक्सेस कर रहे हैं तो हम डॉट लगाएंगे, ये आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन अक्सर लोग ये मिस्टेक कर देते हैं. उसके बाद हमने ऑन क्लिक इवेंट जो है वो करना है. क्लिक, जब इस क्लास पर जो जिस एलिमेंट की ये क्लास है उस पर क्लिक होता है तो हमने एक फंक्शन परफॉर्म करना है. और
वो फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, वो फंक्शन क्या करेगा, एक वार टाइप हम आईडी का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें क्या करते हैं कि दिस डॉट एट्रीब्यूट को हमने एक्सेस करना है और उसका जो नेम है वो रेल आर ई एल। अब हमने ये आर ई एल में जो है वो अपनी आईडी स्टोर करवा ली थी और अब हमने यहाँ से इसमें ये स्टोर करवा देनी है। अब हमने क्या करना है, पहले तो हम टेस्ट के लिए इसको क्या कर देते हैं, ऐसे ही अलर्ट कर देते हैं आईडी। कोड को सेव करते हैं, कंट्रोल F5, डिलीट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आईडी जो है 1 शो हो रही है। अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये 2 शो हो रही है, अगर मैं 4 पे क्लिक करता हूँ तो 4 शो हो रही है। मतलब कि सक्सेसफुली जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें वो आईडी शो कर रहा है। ओके, अब हमने क्या करना है, पहले तो यूजर से हमने अब पूछना है कि क्या वो इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता है। इफ कंडीशन लगाएंगे इसके लिए और हमने एक फंक्शन जो है कंफर्म का वो लेना है और इसमें आप कोई भी मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसमें आर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ओके, तो यहां पर आप इसको ऐसे कर दें सेव और हम दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और आर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर मैं ओके के बटन पर क्लिक करूं तो अब हमने एजैक्स का जो है फंक्शन वो कॉल करना है। अगर कोई ओके के बटन पर क्लिक करेगा तो क्या ये रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए और अगर कैंसिल करता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और ये इफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूं तो कुछ भी नहीं होता, अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो अब ये मुझे आईडी शो कर रहा है क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हो रही है और अलर्ट एक और आ रहा है हमें आईडी का। सो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टाइप देनी है। टाइप क्या है, पोस्ट और गेट अरे का आप लोगों को पता ही होगा, ये ग्लोबल अरे होते हैं पीएचपी में। और किस पेज पर हमने एक्शन परफॉर्म करना है, हमने इसी पेज पर एक्शन परफॉर्म करना है शो डॉट पीएचपी पे। और हमने डाटा क्या सेंड करना है, डाटा हमने सेंड करना है, हमने अब जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो किस तरह से सेंड कर रहे हैं, हमने जो वैल्यू वेरिएबल सेंड करने हैं वो ये वाले, हम आईडी सेंड कर रहे हैं और उसका जो इंडेक्स दे रहे हैं हम दे रहे हैं अपनी तरफ से डेल आईडी। तो उसका जो हम इंडेक्स दे रहे हैं वो डेल आईडी दे रहे हैं और जो वैल्यू दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, आईडी में जो भी वैल्यू होगी 1 होगा 2 होगा 3 होगा वो दे रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, सक्सेस। तो अब हम सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ, तो ये डाटा और उसी तरह इफ, ये तो बहुत ही इजी है, मैं पहले भी आप लोगों को ये समझा चुका हूँ कि ये डाटा डॉट एरर क्या है। और अब हमने यहाँ पर एक अलर्ट शो करनी है डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हमने ये मैसेज शो करना है, अगर डेटा डिलीट हो जाता है सक्सेसफुली हमारा जो ये है वो मैसेज सक्सेसफुली वापस आ जाता है तो हमारा जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहीं पर हमने अगर यूजर जो है वो ओके पर क्लिक कर देता है तो इसी पेज पर क्योंकि ये एक्सेस होगा तो इसको हमने आइडेंटिफाई करना है इफ कंडीशन के थ्रू। इफ इज सेट तो हम
क्या करते हैं, पोस्ट अरे, और इसमें हमने क्या करना है, डेल आईडी। अगर ये डेल आईडी पोस्ट अरे जो ग्लोबल अरे है उसका ये जो डेल आईडी वाला इंडेक्स वाला है वो सेट है तो ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। मीन दैट कि यूजर ने डिलीट के बटन पर क्लिक किया, उसके बाद उसने ओके पर भी प्रेस कर दिया कि ये डिलीट करना है रिकॉर्ड। तो अब हमने इसको क्या करना है, डिलीट करना है। आईडी एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे पीएचपी में, और उसके बाद हमने क्या करना है, इस ग्लोबल अरे से हमने वैल्यू लेकर उसमें स्टोर करवा देनी है। अब हमने एक एसक्यूएल क्यूरी को एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारे टेबल का नेम है, और वेयर क्लॉज के थ्रू हम क्या करेंगे, वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, या इसको हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हम चेंज कर देते हैं एसटीडी आईडी, और इधर भी आकर हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं एसटीडी आईडी। तो ये हमने चेंज कर दी। उसके बाद हमने इस क्यूरी को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट भी हमने उसी तरह से करना है इफ कंडीशन के अंदर, और डाई अगर ये जो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट नहीं होता तो नॉट डिलीटेड। अब कोई भी मैसेज यहां पर प्रिंट करवा सकते हैं, और इसके अंदर आपने क्या करना है, माई एसक्यूएल एरर जो है वो भी हमने साथ में कंकेटिनेट कर देना है, और इसमें हमने ये, और अब हमने क्या करना है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है, माई एसक्यूएल आई क्यूरी, और इसके अंदर हमने क्या करना है, टू वेरिएबल्स पास करनी है, एक कॉन का और दूसरा हमने क्या करना है एसक्यूएल का। ओके, अब हम इसको सेव कर लेते हैं और अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट होता है या नहीं होता। डिलीट के बटन पर क्लिक करते हैं तो अभी पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो गया है, हम देखते हैं कि क्या हुआ है, और हमने कोई मिस्टेक की होगी। यस, हमने मिस्टेक की है और बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ओके, सो सबसे पहले तो हम मेन फंक्शन तो भूल ही गए, एजेक्स का ये फंक्शन भी हमने परफॉर्म करना है, और अब मैंने ये इसको हम ठीक कर देते हैं। ओके, सेव कर देते हैं। अब आई थिंक के हमारा कोड जो है वो ठीक हो चुका है, और अब हम डिलीट करके देखते हैं कोई भी रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हमने डिलीट के बटन पर क्लिक करना है। आर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया है, और ये रिकॉर्ड भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।